Okay guys, so welcome everyone. Standard 9 मध्ये तुम्ही सगळे आलेले आहात स्टँडर्ड 9 मध्ये. ओके सो वेलकम टू स्टँडर्ड 9 हिंदी लोकभारती यू हॅव त्या हिंदी लोकभारती मध्ये तर हिंदीचं लोकवाणी सुद्धा आहे. तर लोकवाणी तुमचं नाहीये, इट इज फॉर द स्टुडंट्स हू हॅव संस्कृत and Hindi also. Okay? Now the first poem you have, काय कोणत्या poem? The poem चं नाव आहे चांदनी रात. लिखा है मैथिली शरण गुप्त जी ने. पहले हम जाएंगे इनके बारे में, इनका परिचय करेंगे. तो मैथिली शरण गुप्त जी का जो परिचय है, तो उनका जन्म हुआ 3 अगस्त 1886 चिरगांव झांसी उत्तर प्रदेश. मृत्यु 12 दिसंबर 1964. मैथिली शरण गुप्त जी खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि है. इनकी जो रचनाएं मानवीय संवेदनाओं विशेषता नारी देख सकते हैं. विशेषता नारी के प्रति करुणा की भावना से ओतप्रोत है. इनकी कुछ प्रमुख कृतियां है जिसमें है साकेत, ये महाकाव्य है, यशोधरा, जयद्रथ वध, पंचवटी, भारत भारती, ये इनका खंड काव्य है, रंगम में भंग, राजा प्रजा नाटक आदि प्रसिद्ध. ये जो कविता है, ये जो पद्य है, इस पद्य के बारे में देखिए क्या कहते हैं. खंड काव्य, इसमें मानव जीवन की किसी एक ही घटना की प्रधानता होती है. प्रासंगिक कथाओं को इसमें स्थान नहीं मिलता. ये जो प्रस्तुत अंश है, ये जो हमें जो गद्य है, ये जो प्रस्तुत अंश है, वो उन्होंने लिया है पंचवटी खंड काव्य से लिया है. प्रकृति के छटा का सुंदर रूप बड़े ही माधुर्य के साथ अभिव्यंजित हुआ है. चांदनी रात का मनोहरी वर्णन उन्होंने अपने सुंदर शब्दों में चित्रित किया है. चांदनी रात, चारों चंद्र की चंचल किरणें, यश यश मिथ साउंड एवरीबडी प्लीज मिथ साउंड Look at the screen, everybody. चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में. स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में. तो चंद्रमा की जो चंचल किरणें हैं, वो खेल रही है. कहाँ पे खेल रही है? जल मतलब पानी में, और थल मतलब जमीन के ऊपर. जल मतलब पानी और थल मतलब समय के ऊपर. स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है, चंद्रमा का जो उजाला है, प्लीज म्यूट द साउंड एवरीबॉडी. चंद्रमा का जो उजाला है वो सब जगह पर बिछा हुआ है. अवनी, अवनी मतलब धरती, अवनी मतलब धरती हमारी पृथ्वी, और अंबर में, अंबर मतलब आकाश. तो जो चांदनी जो बिछी हुई है वो कहाँ पे है? धरती और अंबर में है, जल और थल में खेल रही है. पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से. मानो झूम रहे हैं तरु, तरु मतलब पेट, तरु मतलब क्या होता है? पेट. मैं आपको इसके अर्थ बता रहा हूँ. तरु मतलब पेट, मंद पवन के झोंकों से. तो जैसे हमारा दिन का या फिर रात का जो अगर आप देखोगे, तो रात में कुछ अलग ही माहौल बनता है. पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मतलब जो हरे हरे तृण होते हैं, तृण मतलब घास, गवत, ग्रास. तो हरे हरे जो घास होते हैं, तो उनके नोकों से क्या होता है? तो हमें लगता है कि देखो, जो घास होते हैं ना, उनकर अगर रात का जो उजाला अगर गिर जाए, चांदनी गिर जाए, तो वो अलग ही हमें दिखाई देते हैं. और ऐसा लगता है कि जो तरु है, जो पेड़ है, वो झूम रहे हैं. कहाँ पे झूम रहे हैं? मंद हवा, पवन मतलब हवा, पवन मतलब हवा.
क्या ये स्वच्छ चांदनी है, यह है क्या कि निस्तब्ध निशा, निशा मतलब रात, रजनी, निशा मतलब रात, रजनी रजनी सॉरी, है स्वच्छंद सुमंद गंध, गंध मतलब सुगंध स्मेल राइट, निरानंद है कौन दिशा, निरानंद है कौन दिशा। रात का दृश्य बहुत ही सुंदर होता है अगर आपने कभी देखा हो, और शहर में नहीं लेकिन गांव में अगर आप जाओगे तो गांव में रात का दृश्य सचमुच बहुत ही मनमोहक होता है। तो स्वच्छ चांदनी होती है निशा, रात बहुत ही स्तब्ध होती है, शांति होती है हर जगह। इसमें बहुत समय या फिर कुछ समय हमें ऐसा लगता है कि हम डर गए हैं या फिर हमें थोड़ा सा डर भी लगता है। स्वच्छंद सुमंद, और रात में जो भी कुछ फूल होते हैं तो उनकी जो सुगंध होती है वो भी वातावरण में हवा में फैलती है। बंद नहीं, बंद नहीं, अब भी चलते हैं नियति नति के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुप। देखो रात होती है इसका मतलब नियति रुकती नहीं है, नियति के नटी के जो कार्यकलाप चलते रहते, लेकिन वो कैसे होते हैं, शांत होते हैं, चुपचाप होते हैं, अपना कार्य सब जगह चलता होता है। आपको पता होगा कि बहुत सारे फूल रात में ही खिलते हैं, बहुत सारे फूल रात में ही खिलते हैं। है बिखेर देती वसुंधरा, है बिखेर देती वसुंधरा, वसुंधरा मतलब भी पृथ्वी, धरती, अवनी, ये सारे इसी के शब्द हैं। मोती सबके सोने पर, सब सो जाते हैं उसी समय हमारी जो धरती है वसुंधरा है मोती बिखेर देती है। रवि, रवि मतलब कौन, सूरज, रवि मतलब सूरज, सूर्य देवता। बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और जो भी मोती होते हैं जो वसुंधरा बिखेर देती है तो सूरज क्या करता है, सुबह सुबह हो होने पर वह बटोर लेता है। एक साधी एक सिंपल बात आपको पता होगी, जो भी हम जिसे हम ड्यू कहते हैं, ड्यू रात में पेड़ों के ऊपर जो लीव्स होते हैं, पन्ने होते हैं, तो उसमें जो लीव्स ड्यू होते हैं जो आपको पता है दो बिंदु होते हैं, तो सुबह सुबह वो सब चले जाते हैं राइट, वो सब चले जाते हैं, और रात का जो भी दृश्य होता है वो सुबह सवेरा होने पर बदल जाता है। और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, तो सूरज क्या करता है, जो भी वो बटोर लेता है वो इसे ले जाता है संध्या को, संध्या मतलब शाम, इवनिंग। शून्य शाम तनु जिससे उसका नया रूप झलक खाता है, ठीक है। तो फिर शाम किसे देती है, रात को देती है तनु, और ये सृष्टि का चक्र चलते रहता है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। तो पंचवटी की छाया में क्या है, तो कुटीर बना है, कुटीर मतलब क्या होता है, झोपड़ी जैसे कहते हैं, या फिर एक छोटी सी रहने की जगह। तो वहां पे आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो हमारे साधु वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, ऐसे जंगल में जाकर क्या करते हैं, अपना ध्यान धारणा करते हैं। जाग रहा, जाग रहा यह कौन धनुर्धर जबकि भुवन पर सोता है, भोगे कुसुमायुध योगीसा बना दृष्टिगत होता है। एक सेकंड, एक सुनता हूं आलोच, कुछ शब्द देखेंगे, शब्द संसार में जैसे पुलक, पुलक का अर्थ होता है रोमांच, खुशी। कार्यकलाप का मतलब होता है गतिविधि। कुटीर का मतलब मैंने कहा था झोपड़ी, कुटिया। निर्भीक का मतलब होता है निडर। धनुर्धर का मतलब होता है तीरंदाज। कुसुमा युद्ध का मतलब होता है अनंग या फिर कामदेव। दृष्टिगत का मतलब होता है जो दिखाई पड़ता है। क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छी तरह से आपको दिए हुए हैं, आपको सभी क्वेश्चन आंसर करने हैं। देखिए
जैसे क्वेश्चन क्या पूछे आपको यहाँ पे, तारों के उदित और अस्त होने के बाद के बारे में कल्पना, तो उसके बाद आपको क्या दिया है, चांदनी रात की क्या विशेषता है, आठ विशेषताएं पूछिए। निम्नलिखित पंक्तियों का सरल अर्थ आपको लिखना है, या फिर क्या दिया है, दिए गए शब्दों का उपयोग करते हुए स्वरचित कविता बनाइए, वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके बाद देखिए पर्यायवाची शब्द, तो ये जो भाषा बिंदु है ना, ये आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, भाषा बिंदु, ठीक है। तो इसके अनेक अर्थ है, तरु के तीन अर्थ आपको ढूंढना है, लिखने हैं, वसुंधरा के अर्थ ढूंढने हैं, लिखने हैं, चंद्र, अरण्य, उद्यान, कृषक। ये भाषा बिंदु महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये एग्जाम में आपको ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते हैं।